हेलो एवरीवन, आपको पता है मुझे बहुत ही भूख लग रही है। मैं अपने किचन में गई और मैंने देखा कि भेलपुरी के सारे सामान रखे हुए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना भेलपुरी बना ले और आपके साथ भी भेलपुरी की रेसिपी मैं शेयर कर दूं। और वैसे भेलपुरी ना टेस्टी होती है, चटपटी होती है, क्विक रेसिपी होती है और साथ ही साथ हेल्दी भी होती है, क्योंकि इसमें हम हेल्दी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो है ना, ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको भेलपुरी के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए ये परमल, इसको हम मुरमुरा भी बोलते हैं। ये है कटा हुआ खीरा, एक क्यूकुम्बर। ये है आलू के सेव, चॉप्ड ऑनियन प्याज, चॉप्ड टोमेटो यानी टमाटर। ये है इमली की चटनी। फिर ये कुछ मसाले हैं। सबसे पहले ये है पिसा हुआ पुदीना पाउडर। ये है जीरा पाउडर, इसको मैंने सबसे पहले तवे पर रोस्ट किया था और फिर मैंने इसको पीस लिया था। ये है ब्लैक सॉल्ट, काले नमक, व्हाइट सॉल्ट और ये मिर्ची। तो सबसे पहले हमें इस मुरमुरे को रोस्ट करना है। पहले एक पैन में देखिए, मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। अब देखिए हम इस पैन में जीरा डालेंगे ये देखने के लिए कि ये तेल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। फिर हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी और अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये परमल यानी मुरमुरे। अभी हमने डाल दिया इसमें नमक। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छा क्रंची और कलरफुल हो जाए। हल्दी से इसका येलो कलर आ जाएगा तो ये और ब्यूटीफुल लगेगा। हमें इसको एक बार हिला देना है। तो आप देखिए इसका कलर अच्छा येलो हो चुका है, यानी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने इन मुरमुरों को ठंडा करने के बाद इस बोल में डाल दिया है। अब हमें ये सब इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ये डालेंगे इसमें। फिर हम इसमें ये ऑनियन डालेंगे। अब ये टोमेटो और अब हम इसमें ये चटनी डालेंगे। अब मसाले डालकर हमें इसको मिक्स करना है। स्पून ले और इसको मिक्स कर दीजिए। तो अब देखिए मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ये आलू सेव डालेंगे। और थोड़े से मिंट और कोरिएंडर लीव। और अब ये रेडी है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। तो अब इस भेलपुरी को टेस्ट करने का टाइम, चलिए देखते हैं। दिस इज सो मच टेस्टी। आप भी भेलपुरी बनाकर खा सकते हैं, जल्दी से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं तो अब इंजॉय करती हूँ भेलपुरी, आप भी बनाकर इंजॉय कीजिए। बाय।